सिंगरौली के कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह चौहान ने अपने समर्थकों के साथ छाता लेकर प्रदर्शन किया और कहा कि 22 जनवरी को सिंगरौली की जनता छाता लेकर निकले क्योंकि इस दिन झूठ की बारिश होने वाली है। कांग्रेस नेता ने कहा, मुख्यमंत्री चौहान सिंगरौली आकर लगातार लच्छेदार झूठी और कोरी घोषणाएं करके जाते हैं जो कभी पूरी नहीं होती। सिंगरौली में कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह चौहान ने छाता लेकर प्रदर्शन करते हुए कहा कि 22 जनवरी को झूठ की बारिश होने वाली है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंगरौली आकर केवल झूठ और कोरी घोषणाएं करेंगे। कांग्रेस नेता प्रवीण सिंह ने कहा, मुख्यमंत्री शिवराज द्वारा 4 अक्टूबर 2021 को सिंगरौली के चितरंगी तहसील में 36 घोषणाएं की गई थी जो कि लगभग सब अधूरी है। 2021 के बाद अब जब चुनावी वर्ष नजदीक आया है तो सिंगरौली की जनता को लॉलीपॉप देने के लिए माइनिंग और इंजीनियरिंग कॉलेज का शिलान्यास करने आ रहे हैं जो कि पहले से ही कुंवर अर्जुन सिंह द्वारा दी गई सौगात है। उसी का शिलान्यास करने और जनता को मूर्ख बनाने के लिए सीएम सिंगरौली आ रहे हैं। 22 जनवरी को हमारे जिले में हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह जी का जिले में आगमन हो रहा है। उस दिन 22 तारीख को झूठ की बारिश होने वाली है तो हम लोग ये पहले से तैयारी कर रहे हैं और जनता को आगाह कर रहे हैं कि 22 तारीख को जब आप अपने घरों से निकले तो छाता लेकर के निकले क्योंकि शिवराज सिंह बड़े बड़े पैमाने में झूठ की बारिश करने वाले हैं। इसके पहले शिवराज सिंह का जब आगमन हुआ था बिलौजी ग्राउंड में, उन्होंने 10 घोषणाएं की थी और उस 10 घोषणाएं में लगभग सारी उनकी घोषणाएं अधूरी हैं। इसी प्रकार चितरंगी में 36 घोषणाएं उनके द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम ये घोषणा थी कि मध्य प्रदेश में 1,00,000 युवाओं को 1 साल के अंदर रोजगार दिया जाएगा, सिर्फ ख्वाब रहा। प्रवीण सिंह ने कहा, डीएमएफ का 50,000 करोड़ जो सिंगरौली के शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास के लिए खर्च होना था वह शिवराज भोपाल ले जाकर अपने विधानसभा बुधनी का विकास करते हैं। उन्होंने 70% स्थानीय लोगों को रोजगार दिलाने की भी एक घोषणा की थी लेकिन भाजपा के जनप्रतिनिधियों के कारण वह घोषणा भी अधूरी है। सिंगरौली का युवा दर दर भटक रहा है। सीएम शिवराज ने बाईपास रोड की घोषणा भी की थी लेकिन सिंगरौली में कहीं भी बाईपास नहीं बन पाई। प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनको घोषणा वीर मुख्यमंत्री कहा जाता है, शिवराज सिंह चौहान ने सिंगरौली में युवाओं के लिए, छात्रों के लिए कई बार कई वायदे किए, कई घोषणाएं करी लेकिन उनकी घोषणाएं आज भी धरातल पर नजर नहीं आ रही हैं। वो सारी चीज़ें आज तक पूरी नहीं हो सकी हैं। इसके विरोध में यहाँ का युवा 22 तारीख को छाता लेकर के और माननीय शिवराज जी के पास पहुंचेगा और अपने जो उन्होंने वादे किए थे उस पर क्वेश्चन खड़ा करेगा। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण हम करते हैं, सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।